हेलो राइडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द मोटो एक्सपीरियंस। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रैम बाइक, और ये जो आप देख रहे हैं आरएस इसका नाम हो गया, और 765 सीसी का ये बाइक आता है। और इसका नाम बताया क्या है तो स्ट्रीट ट्रिपल इसका नाम आ जाता है। और इसमें एक और बेस वेरिएंट इसका देखिएगा, इसमें सिर्फ आर मेंशन किया जाता है उस बाइक का। इसका फ्रंट से बात किया जाए तो पूरा आपको एंड डिबल देखने को लुक जैसे आपको देखने को मिल रहा है, अनकुंडा वाला फील देखने को मिल जाता है। ये बाइक पूरा मॉन्स्टर वाला आपको फील देखने को मिल जाता है। इसका लाइट हम आपको ऑन करके दिखा दें तो लाइट देख ले कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। फुल लाइट आपको ऑन की जाएगा तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जा रहा है, कितना जबरदस्त है। और बात किया जाए यहाँ पे जैसे कि येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन दिया गया, जो जबरदस्त आपको देखने को लुक प्रोवाइड हो रहा है। उसके अलावा इस बाइक का व्हील कवर की बात करें तो इसमें पूरा आपको फाइबर वाला दिया गया, पर इसका क्वालिटी बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। और जो आप सस्पेंशन देख रहे हैं, फ्रंट से यूएसटी फॉक्स सस्पेंशन मिल जाता है, ड्यूअल डिस्क के साथ आ रहा है। और इस बाइक का राइड प्रोफाइल से देखें कितना जबरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। ये बाइक का राइड देखें, पहले बाइक देख ले भाई साहब, कितना लुक जबरदस्त आपको देखने को मिल जाता है, पूरा मॉन्स्टर, कितना एग्रेसिव बाइक है। और इसका राइड प्रोफाइल से बात करें, यहाँ पे आरएस मेंशन किया गया, पूरा येलो कलर है, यहाँ पूरा आपको ब्लैक में फाइबर दिया गया, पूरा ये मेटल में इसका सेटअप लगाया गया, पूरा होता है ना क्लीन और का काम किया जाए कोई चीज़, तो यही पूरा आपको क्लीन और फिनिश जो है इसका है बहुत ज़बरदस्त है, स्मूथ वाला हर चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ये इंजन देख लें, ट्रिपल इंजन में ये जो इसका जो इंजन आता है, सिंगल सिलेंडर नहीं आता है, ट्विन सिलेंडर नहीं आता, इसमें आपको ट्रिपल सिलेंडर मिल जाता है, इनलाइन ट्रिपल सिलेंडर आपको इस बाइक में देखने को मिल जा रहा है। जो चीज़ हम आपको दिखा दें यहाँ से देखें, 1 2 3 इसमें आपको 3 सिलेंडर का बाइक मिल जाता है, जो आपको यहाँ से कनेक्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ये जब इसका जो ये देख रहे हैं इंजन गार्ड, तो येलो कलर में मेंशन किया गया। और पर यहाँ पर तक आप गैप भी देखते हैं, ठीक ठाक गैप है, इसको बस चलाते समय थोड़ा अच्छा से चलाइएगा, यहाँ पर लिखा भी गया फॉर द राइड। उसके अलावा ये सारा चीज़ देख लीजिए, और हर जगह वो ट्रैम को याद दिलाने वाला यहाँ भी टी है। उसके अलावा बात करें जैसे कि इसका ये जो आप रेडिएटर देख रहे हैं, कितना वाइड रेडिएटर देखने को आपको मिल जाता है। इधर से हम आपको रेडिएटर दिखा दें तो रेडिएटर देख ले कितना बड़ा आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। इसको आपको कार वाला फीलिंग देने वाला, जैसे पूरा चीज़ खोल के यहाँ पे अपने डालने वाला देखने को मिल जाता है, कार जैसे लंबा चौड़ा देखने को मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी के लेफ्ट प्रोफाइल से हम आपको दिखा दें तो लेफ्ट प्रोफाइल में भी देख लें, ये जो पहले गाड़ी देख लें कितना फाइन देखने को मिल जाता है। और इसका सस्पेंशन देखिए, इसी कलर का कॉम्बिनेशन में इसका सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है, देख लें। और बात करें इस गाड़ी के, पहले सबसे अनोखा चीज़ दिखाते हैं जैसे गियर, ये गियर आप देख रहे हैं यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ गियर कीजिएगा तो देख रहे हैं यहाँ से आपको चीज़ देखने को मिल जा रहा है गियर लगाने के लिए, देख रहे हैं। इसमें गियर की बात करें तो एक डाउन और 5 अप हो जाता है, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, जैसे 1 न्यूट्रल इस वजह से करके पूरा मेंशन किया गया, यहाँ पे टी भी मेंशन कर दिया गया। और ये जो लुक आप देख ले कितना कूल लुक आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 765 मेंशन भी किया गया। और सीट वगैरह देख लें जो ज़बरदस्त रहने वाला है, पिलियन के लिए भी बहुत सारे ऐसे बाइक होते हैं जो आप सुपर बाइक देखते हैं उसमें पिलियन के लिए अच्छा सीट नहीं मिलता है, मतलब थोड़ा स्पेस कम मिलता है, बट इसमें आपको पिलियन के लिए अच्छा खासा सीट मिल जा रहा है। और यहाँ से भी बाइक अपना पीछे कर सकते हैं, यहाँ भी ग्रेविल मिल जाता है, यहाँ ये भी आपको ग्रेविल जैसा काम करने को मिल जाता है। और इस गाड़ी के इंजन का बात किया जाए कि इसका इंजन तो आप देख रहे हैं कितना खतरनाक आपको देखने को मिल जाता है, पूरा इंजीनियर से भरा हुआ, बट इसका इंजन पूरा आपको नेकेट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात करें इसका इंजन क्या मिलता है, जैसे इसमें इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। बीएसपी का बात किया जाए तो 130 बीएसपी मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात किया जाए 12,000 आरपीएम इस पर जनरेट करके देता है, 12,000 आरपीएम, सोचिए कि बाइक कितना पावरफुल है। और इसकी गाड़ी का टॉर्क की बात किया जाए तो इसमें 80 Nm का टॉर्क मिल जाता है, उस पर आरपीएम की बात किया जाए कि कितना आरपीएम जनरेट करता है तो 9,500 आरपीएम जनरेट करके देता है। उसके अलावा इस गाड़ी का अगर इंजन को बात किया जाए कि इंजन ऑयल कहाँ से डाला जाता है तो उसका उस साइड से हम आपको दिखा दें, पहले उस साइड से आपको दिखा दें इसका इंजन ऑयल इधर से आपको देखने को मिल जाता है। ये सारा पार्ट यहाँ दिया गया है इसका इंजन मोबिल डालने के लिए, यहाँ से इसका कैप भी हो गया, यहाँ से खोलिए और डालिए। उसके अलावा बात करें जैसे ये सारा चीज़ देखते हैं, सारा चीज़ अलग अलग टाइप का इसमें ज्वाइनिंग आपको देखने को मिल जाता है। और इस बाइक के रियर प्रोफाइल से बात किया जाए तो इस पहले इसका टायर देखें, मेरे एक हाथ में भी नहीं आ रहा है, इतना वाइड टायर दिया गया है। और इसका साइज़ की बात किया जाए तो 180 mm का इसका टायर साइज मिल जाता है। हम ब्रैक मोवो का है, इसमें क्लैपर मिल जाता है, 230 mm का इसका रियर डिस्क पैनल मिल जाता है। उसके अलावा ये सारा चीज़ आपको देख लिए, यह भी अच्छा खासा मिल जाता है। और इसका रियर सस्पेंशन की बात किया जाए तो मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, 95 mm का मिल जाता है, इसका ट्रेवलिंग मिल जाता है। उसके अलावा बात करें यहाँ पर रियर ब्रेक भी हो गया, और यहाँ पर ये भी दिखाया गया कितना ओएल है, जैसे अपर और लोअर भी मेंशन किया गया है, सारा चीज़ आप देख लिए। डुअल चैनल ABS भी इसमें मेंशन किया गया, फ्रंट डिस्क आपको 310 mm का मिल जाता है, ड्यूअल डिस्क के सेट सिस्टम आपको यहाँ पे बैठाया गया है। ये जो आप ब्रेक देख रहे हैं फ्रंट ब्रेक, तो इसमें आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, इसको एडजस्टेबल करके भी चला सकते हैं। लेफ्ट में भी यही है, लेफ्ट क्लॉच में भी बात किया जाए तो इसमें भी आपको एडजस्टेबल देता है, आपको एडजस्ट करके इस चीज़ चला सकते हैं।
और इसका ऑन रोड प्राइस की बात किया जाए, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, इतना बड़ा घोड़ा आप खरीदना चाहते हैं तो इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको मात्र 14 लाख है। 14 लाख में इस बाइक अपने घर लेकर जाइए, मस्त चलाइए और पटदार लोग हालत ख़राब कीजिए। अगल बगल आप जब बाइक निकालिएगा तो सबका रूह कांपने वाला है कि इतना खतरनाक बाइक गया है। ऐसे ही बाइक का डिज़ाइन और इतना लुक जबरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। इंजन भी तो इसमें आपको ट्रिपल इंजन मिल जाता है, थर्ड टाइप का इंजन मिल जाता है जो आपको जबरदस्त रहने वाला, परफॉर्मेंस बेस्ट है। माइलेज कोई फ़ायदा है नहीं पूछने का क्योंकि इसमें माइलेज कोई बता ही नहीं सकता, जो जैसे चलाएगा इसका माइलेज 10 से भी आप 10-12 समझ सकते हैं इसका माइलेज। उसके अलावा बात करते हैं इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल और की, तो पहले बात कर लें इसका की का। तो इसमें आपको सेंसर वाला ट्रैम का कोई भी बाइक लीजिए उसमें आपको सेंसर कनेक्ट रहता है विदाउट इस, अगर एक की आपको गुम हो गया तो फिर आपको कंपनी में ही जाना पड़ेगा और सारा सिस्टम बदलवाना पड़ेगा क्योंकि सब सेंसर वाला आपको की मिल जाता है। और दूसरा की चाहिए बनवाना अगर चोरी झंझट वाला तो इसमें ट्रैम में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं मिल जाता है। फिर इसमें की इंस्टॉल कीजिएगा, यहाँ पर जब सेंसर होता है यहाँ कनेक्ट हो जाता है, रेड इंडिकेट किया, हम आपको फिर से दिखा दें, जब लगाइएगा तो यहाँ पर रेड दिखने को आपको मिल जाता है और फिर से निकाल के दिखाते हैं यहाँ पर, जब निकालेगा फिर भी रेड दिखेगा, लगाइएगा फिर भी आपको रेड दिखने को यहाँ पर मिल जाता है, मतलब यहाँ पर सेंसर से कनेक्ट हो गया। उसके अलावा जब ऑन करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। ऑन करते साथ इसका इंटरफेस ट्रंप लिखेगा, इसके अलावा ये सारा इसे देखने को मिल जाएगा। स्ट्रीट स्ट्रीपर लिख दिया, किलोमीटर, फ्यूल लो, ये गाड़ी हम स्टार्ट नहीं करके आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इस बाइक में फ्यूल जितना रहना चाहिए उतना फ्यूल टैंक में नहीं है, इसकी वजह से एग्जॉस्ट साउंड नहीं सुना सकते हैं। उसके अलावा ये सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ABS ट्यूनल चैनल ABS मिलता है, यहाँ पर आपको फ्यूल गैस हो गया, इंजन चेकिंग लाइट, सारा चीज़ इसमें भर भर के आपको मिलने वाला है। फ्यूल लो है आपको प्लेन दिखा रहा है, स्पीडोमीटर वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ से आपको चेंज करने के लिए यहाँ से ऑप्शन देते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा दें, बात किया जाए इसमें 5 रोड स्टेप आपको देखने को मिल जाता है, वो सारा चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। तो रोड, स्पोर्ट एंड ट्रैक, और बात करें जैसे कि ट्रैक हो गया, राइडर हो गया और रेन हो गया, इसमें टोटल आपको 5 रोड का मेंशन किया जाता है। उसके अलावा जो भी रोड में आप चलाना चाहते हैं इसको क्लिक कीजिए, चलाइए। और बात करते हैं इसमें क्या क्या और जाने को देखने को मिलता है, तो मैप भी मिल जाएगा इसमें आपको, ABS रोड में मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन स्पोर्ट, सारा चीज़ आपको देखने को यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो बहुत सारा फंक्शन है और जब बाइक लेना आइएगा तो सारा चीज़ और देख लीजिएगा। उसके अलावा बात करते हैं इस बाइक का राइट हैंडल में, तो यहाँ पे इंजन किल स्विच है, इंजन किल स्विच हजार्ड, और ये देख लें वेल यहाँ पे मेंशन किया गया है ब्रेक का, और ये जो आपको होम हो गया, उसके अलावा यहाँ पे ऑफ ऑन इंडिकेटर का, और ये चीज़ ओके का यहाँ पे हो गया। और इस बाइक के सीट हाइट की बात किया जाए तो इसका सीट हाइट आपको 836 mm को देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात करें इसका, जैसे कि मेरा पैर तभी इसलिए नहीं पहुंच पा रहा दोनों साइड क्योंकि अभी देख रहे हैं पूरा ट्रैक पर लगाया गया जिसकी वजह से नहीं पहुंच पा रहा है। और बात करें गाड़ी का अगर कर्वेट कितना है, तो इसका 188 kg का कर्वेट आ जाता है। 188 kg इतना भारी भरकम गाड़ी है जिसका वजन आपको 188 मिल रहा है, सबसे प्लस पॉइंट इस बाइक के यहीं आप बोल सकते हैं। जैसे कि 3 सिलेंडर का बाइक हो गया, इतना भारी भरकम बाइक दिख रहा है और आपका वजन 188 kg का मिला, अच्छा खासा इसका कर्वेट आपको इसे बोल सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात किया जाए, फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या है, 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। माइलेज हमसे पूछिए मत क्योंकि सब बाइक है, सुपर बाइक है, तो इस पर माइलेज का कोई बहस ही नहीं बनता, कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके अलावा जो ये सीट देख रहे हैं आपको, ड्यूअल सीट में सीट मिल जाता है, स्प्लिट सीट डिज़ाइन आ जा रहा है और अच्छा खासा इसमें बोलते हैं राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी अच्छा खासा सीट कम्फर्ट मिलने वाला है क्योंकि सुपर बाइक है। बहुत सारा ऐसा बाइक है जिसमें पिलियन के लिए मतलब होता है ना, सीट बैठने की जगह भी नहीं है, बट ये अब सुपर बाइक जो ट्रम्प निकाला हुआ है जो ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है सीट के मामले में। उसके अलावा और भी बहुत सारा कलेक्शन यहाँ पे हम आपको दिखा दें, जैसे यहाँ पे स्कैम्बलर 400X मिल जाता है, इसका दूसरा कलर यहाँ पे मिल जाता है। और इसका ऑन रोड प्राइस की बात किया जाए तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको 3,20,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारा कलेक्शन है देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो बाइक आप देख रहे हैं ट्रैम्प का स्पीड 400 है, इसमें भी आपको, और इसका ऑन रोड प्राइस की बात किया जाए 2,87,000 है। और ये ट्रैम्प का कोई भी बाइक अभी आप लेना चाहते हैं तो इस मंथ तक आपको 10,000 का एसेसरीज फ्री मिल रहा है, तो जल्द से जल्द आप बाइक लें। और आज हम आपको कवर किया ट्रैम्प का बाइक जो 765 cc का आता है, इसमें क्या क्या फीचर था, क्या क्या नहीं था, सारा चीज़ इस वीडियो में कवर किया। अगर यहाँ तक वीडियो देख लें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे हमारे चैनल द मोटो एक्सपीरियंस। तब तक के लिए बाय बाय।